दादी जी याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझाने, दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बनकर के वरदानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरे दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। आप सदा ही भोली, सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरे दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी, नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी,
याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मैं यहाँ मधुबन में सभा को तीन बारी ओम शांति कहलवाती हूँ। तो पूछते तीन बारी क्यों कहलवाती हो, तो अनुभव कहता है परमात्मा बाप ने भक्ति मिश्र ओम का जाप करते हैं, पर भगवान कहते हैं हे आत्मा तू शांत स्वरूप है। ओम माना मैं शांत स्वरूप आता हूँ। फिर दूसरा बारी ओम शांति किसने सिखलाया, उसकी याद आती है शांति के सागर बाप की। तीसरा बारी ओम शांति बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर से यहाँ आए हो, नाटक में पाठ पूरा हुआ है। तुम पहले सतो प्रधान आत्मा सत्युग में थी, तो त्रेता द्वापर कलयुग में पाठ बजाते तमो प्रधान बन गई हो। तो हे आत्मा तुम स्वयं को पहचानो। तो आज मैं आप लोगों को स्वयं को कैसे पहचाने पर बताएंगी, परमात्मा को कैसे पहचानो, फिर समय को कैसे पहचानो। तीनों अलग है। पहले स्वयं को पहचानो मैं कौन हूँ। जब मैं शब्द आता है ना एक सेकंड के लिए, मैं कौन हूँ, मैं और मेरा दो शब्द है, मैं मेरा। अभी जब परमात्मा ने कहा तो आत्मा है, तो मैं जब आत्मा हूँ तो अंतर बुद्धि अंदर चली जाती है। मैं जो बॉडी कॉन्शियस वाली है ना, देह संबंध दुनिया में मैं फंस गई थी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं देह संबंध दुनिया तन धन संबंध में फंस गई थी। अब भगवान कहता है आत्मा को मन मना भव है, यानी मन मेरे में लगा दो। तो फिर ये जानना पड़ेगा परमात्मा कौन है। मन लगाना है किसको, जब मन शब्द कहते हैं तो अंदर ध्यान जाता है। ऐसे है जब दिल कहेंगे तो यहाँ, दिमाग कहेंगे यहाँ, तो शरीर में आत्मा है पर दिल में कुछ। ओम शांति। सूर्य की तरह प्रबल, चांद की भांति शीतल, परमात्मा की अति लाडली, प्यार से पुकारते विजनक बच्ची,
स्नेह की वर्षा देश दुनिया पर करती रहे, सदा उमंग उत्साह अपनी उपस्थिति से निभरती रहे। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी की स्मृतियों में खो जाने के लिए। इस विशेष दिन, उनके स्मृति दिवस पर उनको स्नेह सम्मान पुष्प गुच्छ द्वारा अर्पित करते हुए मधुबन के ब्रह्मा कुमारीज के सीनियर भाई बहने यहाँ उपस्थित हैं। उस स्तंभ के आगे जो शक्ति स्तंभ कहला रहा है, दादी जी की स्मृतियों में स्तंभ को बनाया गया जो आज मधुबन भूमि पर दादी जी की याद का एक प्रतीक बन गया है। आदरणीय हंसा दीदी जी, जो दादी जी के अंग संग रहीं, दादी जी की संभाल की और देश विदेश की यात्रा के दौरान दादी जी के साथ सभी आत्माओं से मिली, उनकी स्नेह भरी आंखें दादी जी के प्रेम में, उनकी यादों में खोई हुई हैं। आज हम सब की आंखें दादी जी के प्रेम में हल्की छलक रही हैं। परमपिता परमात्मा भी जानकी दादी के लिए अनेक वरदानों की वर्षा सदैव करता रहता। ऐसी यशस्वी महान योगिनी दादी जानकी जी इस धरा पर आई और अपनी अमिट छाप छोड़ संपूर्णता को आज ही के दिन उन्होंने पाया। आदरणीय राजू भाई जी, दादी जी के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अनेक भाई बहने अनेक स्थानों से आकर आज इस शक्ति स्तंभ के आगे शक्ति के प्रकंपन महसूस कर रहे हैं। इससे पहले आदरणीय मुन्नी दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, उन्होंने भी दादी जी को याद कर पुष्प अर्पित किए। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सभी अति सम्मान के साथ इस स्तंभ के आगे दादी जी की स्मृतियों में, उनके सम्मान में खो गए हैं। दादी जी जिनके आते ही जैसे वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता, वो जहाँ भी जाती सबका मन खुशियों में भर जाता। दादी जी की वाणी इतनी तेजस्वी होती कि सब अपने दुख दर्द भूल उस परम पिता परमात्मा को याद कर खुशियों में मुस्कुराने लगते।
दादी जी सदा सभी को, चाहे छोटे हों बड़े हों, बहुत सम्मान देती। वे परमात्मा की संतान हैं, इस बात का आदर, इस बात का प्रेम उनके नैनों में सदैव दिखाई देता। दादी जानकी की पालना में देश और दुनिया की कई आत्माओं ने अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना, परमात्मा से शिक्षाएं ली, इस कृतज्ञता के भाव को मन वचन पुष्पों से अर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके अनेक भाई बहने, आदरणीय संतोष दीदी जी, सीनियर राज्यों का टीचर यहाँ खड़े हैं, और उनके स्थान पर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम में से हर कोई दादी जी को इतना ही नज़दीक से देख रहे हैं। आदरणीय जयंती दीदी जी, ब्रह्मा कुमारीज की सह मुख्य प्रशासिका, दादी जी को अति प्रेम अति स्नेह से आज याद कर रही हैं। दादी जी के साथ साथ दीदी जी ने कई सेवाएं की, विदेशों में, भारत में अनेक स्थान पर दादी जी का सानिध्य पाया। उनकी शिक्षाओं से स्वयं को सजाकर अनेक भाई बहनों को सजाया। जयंती दीदी जी कई अनुभव साझा करती हैं और सदैव बताती हैं कि किस प्रकार जानकी दादी निर्माण चित्त होकर रही और सदा ज्ञान मुरली के मनन में मग्न रही। दादी जी मुरली की स्टडी को विशेष महत्व देती, ज्ञान सागर मंथन में रमण करती रहती। आदरणीय निर्वैर भाई जी, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ उपस्थित, दादी जी को स्नेह सम्मान से याद करते हुए शक्ति स्तंभ पर मौजूद हैं। दादी जी से मानो सभी दृष्टि ले रहे हैं, कमल समान उनके जीवन को इस स्तंभ में आज एक स्मृति के रूप में स्थापित किया गया। और आज ही के दिन 2020 में दादी जी ने इस देह को त्याग कर संपूर्णता को पाया। जानकी दादी जी, जिनका जन्म 1916 में हैदराबाद सिंध प्रांत में हुआ, 21 वर्ष की आयु से ही
वे संस्था से जुड़ी। 60 साल की उम्र जब सभी एक रिटायरमेंट की एज की ओर आगे बढ़ते हैं, उस उम्र में परमात्मा की डायरेक्शन पर दादी जी पहली बार विदेश सेवा के लिए निमित्त बनी। अलग भाषा, अलग कल्चर के होते हुए भी दादी जी ने सभी को एक ऊंची नजर से देखा, एक्सेप्ट किया, मान सम्मान दिया और आज ब्रह्मा कुमारी की विश्व सेवाओं की नींव है। हम देख रहे हैं आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादी जी को पुष्प माला अर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ भाई निर्वैर भाई जी भी दादी जी की स्मृतियों को पुष्पों में बांध आज शक्ति स्तंभ पर उनके स्नेही, उनके शक्ति स्वरूप को याद कर नमन कर रही हैं। योग अग्नि आप में समाई, ज्ञान जल आप में बहता, यहाँ रहती थी दादी जानकी, मधुबन का हर कण गर्व से कहता, सबके प्रति प्रेम, हर आत्मा के प्रति सत्कार, परमात्मा की शिक्षाओं से रहा, आपका प्रेम अपार, आपको देख मुस्कुराता हर मन, आज आपकी स्मृतियों में खोया है दादी जी आप जैसा इस धरा पर ना और कोई होया है। आदरणीय मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी की सह मुख्य प्रशासिका, दादी जी के इस विशेष दिन पुष्पों द्वारा दादी जी को याद कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं में हम सब आज रमण कर रहे हैं। दादी की शिक्षाएं सदा परमात्मा की याद दिलाती। दादी हमेशा पूछती, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा सत्य परिचय क्या है, ये कभी ना भूले, और मेरा सिर्फ एक परमात्मा है, ये सदैव याद रहे। दादी जी सिर्फ कहती नहीं परंतु खुद ही जैसे इन महावाक्यों की वे प्रतिमा बन गई। ये सुंदर पुष्प मालाएं दादी जी के सुंदर व्यक्तित्व के, दादी जी के उच्च विचारों, परमात्म स्नेह और शक्ति स्वरूप को
आज अंजलि दे रही हैं, मानो ये पुष्प दादी जी पे पड़ते हों तो प्रकृति भी मुस्कुरा रही है, अपने भाग्य पर हर्षा रही है। मधुबन की हवा भी आज दादी जी के रंग में रंगी है। दादी जी की स्मृतियां जैसे परमात्म स्मृतियां हैं। अगर कोई चांद की दादी को देखता तो उसे परमात्मा याद आता। दादी जी को याद करते आज भी वो शिव परमपिता परमात्मा ही याद आता। ऐसा उच्च जीवन, ऐसा महान व्यक्तित्व और कौन होगा कि आज देश दुनिया से कई भाई बहने आबू धरा पर मधुबन भूमि में उनके स्नेह में बंधे खींचे चले आए हैं। डॉक्टर प्रताप, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल, दादी जी को पुष्पमाला अर्पित करते हुए अनेक सीनियर राजयोगा टीचर बहने जो परमात्मा के कार्य को संपूर्ण विश्व में सेवा के इस मार्ग पर चल दादी जी की शिक्षाओं पर हर क्षण सफल कर रहे संपूर्ण मानव जाति का उद्धार कर रही हैं, वे सब आज दादी जी को याद कर दादी जी की शक्तियों को मानो अपने साथ ले जा रहे हैं। जानकी दादी जी 2007 में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका बनी। दादी जी के लिए परमात्मा भी अनेक महावाक्य उच्चारण करता, अनेक वरदान देता। आदरणीय सविता दीदी जी, आदरणीय उषा दीदी जी, सीनियर राजयोगा टीचर्स और ब्रह्मा कुमारीज दादी जी को पुष्प मालाएं, स्नेह मालाएं अर्पित कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा दादी जी के लिए कहते, आप विशेष आत्मा तो कंबाइंड होना अलग हो ही नहीं सकती। वे कहते कि आप अनेक आत्माओं के लिए सैंपल हो। दादी जी को देश ही नहीं विदेश में भी कई भाई बहने आज याद कर उनके स्नेही स्वरूप में खो गए हैं। दादी जी हमेशा कहते, न दुख लेना न दुख देना। दादी जी कहते बेहद निर्माण होकर कहते, बेहद निर्माण होकर कहते, कोई भी शिक्षा देंगे
तो मैं सुनने को तैयार हूँ। दुख नहीं होगा, कोई पत्थर भी मारेगा, मैं दुख नहीं लेंगी। दुख अंदर आएगा तो जाएगा नहीं। दादी जी बहुत मीठी मुस्कान के साथ कहती, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। अगर कोई परिस्थिति आती तो समझे कि कोई हमारा टेस्ट लेते और ही हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इशारा मिलता। दादी जी की वाणी जो भी सुने वो हर परिस्थिति से ऊपर उठ जाता। दादी जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा 104 वर्ष की उम्र तक। उनको देख युवा भी और एक्टिव हो जाते। दादी जी कभी साबूदाने की खीर बनाती तो कभी कुछ और। दादी जी एक एक व्यक्ति को प्यार भरी टोली खिलाती। छोटी छोटी बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाती। दादी जी हमेशा एक्यूरेट रही। उनकी जीवन शैली आज भी और सदा एक सैंपल रहेगी जिसे अगर फॉलो करें तो मानो परमात्मा प्यार में उड़ते रहें और सभी को उड़ाते रहें। दादी जी इतने प्रेम से कहती, मेरा भाई मेरी बहन, मानो उसी क्षण हर एक को अपना बना लेती। दादी जी जहां भी जाती हर किसी का मन यही कहता, हमारी दादी मेरी दादी। और बस दादी को देखते रहें, निहारते रहें, मानो जैसे किसी मंदिर में स्थापित एक मूरत हो और बस उनके दर्शन मात्र से सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हों। दादी जी सदा अपनी क्लास में कहती, अगर हम किसी की कमी देखेंगे तो वो कमी मेरे में आ जाएगी, इसलिए किसी की कमी नहीं देखो, उनकी विशेषता देखो। शिव परमात्मा की छत्र छाया में दादी जी चाहे कोई भी शारीरिक व्याधि का पेपर आया परंतु दादी जी सदैव उड़ती रही, सेवाएं करती रही। 100 वर्ष की आयु के बाद भी दादी जी ने अनेक देशों की यात्राएं की, क्लासेस कराई। दादी जी परमात्मा महावाक्यों की जीती जागती मिसाल के रूप में रही। उन्हें विश्व की मां का दर्जा हासिल हुआ।
उन्हें ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हजारों बहनों की संरक्षक बन पालना कर इस योग के बनाया कि आज अनेक स्थानों पर वे ईश्वरीय सेवा के कार्यों को सुचारू रूप से संभाल रही हैं। आपके सानिध्य से प्राप्त अविस्मरणीय स्नेही पालना में सभी भाई बहने दिन रात विश्व निर्माण की सेवा में जुट गए हैं। में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए के मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दादी जानकी के वेव पैटर्न की जांच की। उन्हें दुनिया में सबसे स्थिर मन बताया गया। दादी जी ने सभी को शांति का शक्ति का अनुभव कराया। अपने जीवन काल में विश्व सेवा में कर्मठता से निर्माणता से जुटी रहीं और आज दादी जी की शिक्षाएं हमारा हाथ साथ बन इस विश्व सेवा के पथ पर अडिगता से हमें चला रही है। आपकी पालना में निश्चिंत पलते रहे, पलक झपकते ही लगता है वो पल अब कहाँ गए जो आपने सिखलाया। पथ जो पद चिन्हों से दिखलाया उस पर चलेंगे हम, जीवन सफल करेंगे हम, न दुख देंगे न दुख लेंगे, परमात्मा खुशियों में झूलेंगे। दादी जी आपकी शिक्षाओं को हम कभी न भूलेंगे। दादी जी आपकी शिक्षाओं को हम कभी न भूलेंगे।
याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी, मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझाने, दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। आप सदा ही भोली, सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी, नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम
तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।